अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी है सहरी का टाइम और यहाँ पर है पराठा और आलू कीमा। ये रात वाला ही सालन है क्योंकि रात को हमने नहीं खाया था, पेट भर गया था। दूसरी चीज़ें जो होती हैं पकोड़े और फ्रूट चाट, अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पर जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा भी मेरे साथ है और हस्बैंड जो है तहज्जुद पढ़ने के बाद जो है कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। कुछ सूरतें होती हैं, सूरह मोहम्मद है और एक दूसरी सूरत मुझे बताई थी कि तुम भी पढ़ा करो, लेकिन मैं जो है बस रमज़ान में ही तहज्जुद पढ़ती हूँ। 12 बज गए हैं दिन के, मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ क्योंकि छुट्टी जो है हमारी अब 12 बजे हुआ करेगी। और मैं जैसे ही आई तो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और अजवा ने जो है आज रोज़ा रखा है। हालत बहुत ख़राब हो गई है। हालत बहुत ख़राब हो गई है। हालत ख़राब हो गई है ऐसे नहीं कहते, अब रखा है तो बस खामोशी इख्तियार करो और बेबी बच्चों को पढ़ा रही है। बेबी मंडे से पेपर है ना? जी जी, फर्स्ट पेपर फाइनल। फर्स्ट पेपर जो है इनका मंडे को है और इसका पेपर देखो ये है। फातिमा क्या हाल है? फातिमा सलाम तो कर, सलाम कर बाबा। हेले सलाम कर। स्कूल भी नहीं है? स्कूल और छो मतलब सुधेरे सुधे हेरे बुधाया नगर स्कूल भी नहीं है? अच्छा, सब बच्चे ऐसे कहते हैं नहीं जाऊँगा। और इसको देखो ये पढ़ के थक गया है। मासी ने सारे घर की सफाई कर ली है और बस मेरा बेडरूम रहता है क्योंकि हस्बैंड जो है सोए हुए थे। अभी मैं आई हूँ तो उसको उठाया कि मासी सफाई करेगी रूम की और बाहर चलते हैं। बेबी ने बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश किए हैं और ये रली भी वॉश की है, ये मेरी है ऊपर ओढ़ने के लिए। माशाल्लाह से आज जो है धूप निकली है और ये बच्चों के खिलौने हैं जो बेबी ने धोए हैं मशीन में से। मशीन को मैंने यहाँ कर लिया क्योंकि वहाँ धूप में पड़ी पड़ी, ये अकल मुझे देर से आई, वरना पहले अकल आती तो ये धूप में नहीं सड़ती रहती। और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं खुद बाहर, 3-4 दिन के बाद ही आई हूँ बारिश के बाद, और बाहर जो है खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। और ये यहाँ सोई हुई है क्योंकि यहाँ छाँव है, वहाँ अंदर जो है बहुत ज़्यादा ये धूप हो गई है। और वीडियो जो है कैसी लगती है, वीडियो को पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये जो है अनार का पौधा, इसमें बस सिर्फ छोटे अनार होते हैं, वो भी सूख के नीचे गिर जाते हैं। और हमारे यहाँ जो है यहाँ पर एक तो कीड़े बहुत होते हैं इनमें और शहद बहुत लगती है, इसलिए अब डर भी लगता है क्योंकि स्टील टाउन जो है सारा हरा भरा है, जंगल है बिल्कुल ही। और मुझे इस दरख्त से ये शायद नारियल है, अभी हुए तो नहीं है, तो इसकी ये जो नीचे नारियल की जड़ है, ये जड़ पता नहीं क्यों ऊपर खुल गई है बारिश से, किससे, इससे मुझे डर लग रहा है कि ये दरख्त गिर ना जाए। क्योंकि पीछे भी हमारे बैकयार्ड में जो है एक नीम का दरख्त था, बहुत पुराना था, वो गिर गया था। ये शुक्र है कि हमारे घर के ऊपर नहीं आया, पीछे ही गिर गया था और माली ने कटिंग कर दी है। ये देखें ये दरख्त जो है हमारा टूट गया, ये ऐसा ही था यहाँ पर ये वाला, और बेल भी सूख गई। ये चंपा का जो है दरख्त था, बस और क्या दिखाऊँ, इसमें मोतिया का जो है एक फूल लगा है
और ये एक कली है छोटी सी। कटिंग कर दी है, बाहर का मौसम है तो वहाँ भी रात की रानी थी, उसकी भी कटिंग कर दी। बस मालिक के सुपुर्द कर दिया है सब कुछ। ये अब यहाँ पर जो है घास उग रही है, यहाँ पर सिर्फ एक टाइम पानी आता है, तो सुबह के टाइम अब तो 3 बजे आता है रात को, क्योंकि रमज़ान की वजह से। तो चलें अंदर चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बस मैं जैसे ही आई तो बस अपना बेडरूम थोड़ा सा सेट किया, चादरें वादरें सेट की, और फिर आप लोगों से मुखातब हुई हूँ आकर। और मुझे पता है कि सब लोग जो है अब मसरूफ़ होंगे, कुछ आराम फरमाएंगे, मेरी बहनें मेरे भाई, और इसलिए जो है वीडियोस कम देखी जा रही हैं आजकल। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो है 600 प्लस हो गए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, और आगे भी ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। ये देखें सब सोए हुए, कोई अक्का दक्का बंदा कोई जा रहा है आ रहा है, वरना बस। और गवर्नमेंट के स्कूलों को बस छुट्टी नहीं है, सिर्फ उसको है प्राइवेट को। और ये है वो मेरा बुरका, जिसको यहाँ से प्रेस करते हुए बेबी ने जो है थोड़ा सा जला दिया था, जल गया था यहाँ से। ये थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है यहाँ पर ये, और ये बंच लगा दिया, ब्लैक बंच मुझे मिला ही नहीं। अब ये दूसरी तरफ से भी मैं ऐसा ही लाई हूँ, वो दोनों अगर लगेंगे एक साथ तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, और है भी बिल्कुल ही नीचे ये। तो बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वाला बंच जो मैंने लगाया है इस पर। बस गुजारा हो जाएगा, ये लगा दिया मैंने, ये प्रेस से लगा है। ये लगे दो बंच इसको, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, प्यारा लग रहा है अभी। अब देखते हैं कि ये कितना चलता है। सही तो हो गया, बस थोड़ा सा छुप गया यहाँ पर अभी थोड़ा सा है, बस सही है। दोनों एक जितने हैं लग गए। और जी दूसरा रोज़ा सबको मुबारक, अफ्तारी हमारी हो गई वहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये बिरयानी है, बेटा भी मेरे साथ आ गया ऊपर सोफे पर, और हस्बैंड भी। सबको सबकी तीनों की हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सही मुझे बुखार है। सही तबीयत है आपकी? सही है, मेरी सही है। मेरे हस्बैंड को भी जो है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी बुखार, इसको भी। कल मेरी सिस्टर आई थी उसको भी खड़ा जो थे। तो बस अब रमज़ान जो का जो है दिन होते हैं मसरूफ़ होते हैं, और मेरा स्कूल भी होता है, तो इस वजह से जितनी भी वीडियो मुझसे बनेगी मैं बनाऊंगी। और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और फुल देखा करें, क्यों नहीं देखते हैं। मुझे पता है कि आप लोग जो है अभी मसरूफ़ होंगे रमज़ान में, लेकिन थोड़ी बहुत जो है देखा भी करें, इसके नहीं किया करें। तो चलें जी, बिरयानी ठंडी हो रही है तो हम खा रहे हैं बिरयानी।